Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mallik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स आर्डिनो ट्यूटोरियल की यह हमारा 40th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे आर्डिनो के अंदर एनालॉग इनपुट पिन क्या होता है, एनालॉग रीड राइट क्या होता है एंड उसके साथ साथ आप लोग कैसे उसको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स एनालॉग रीड राइट के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होता है। फ्रेंड्स हमारे आसपास जो नेचुरल फैक्टर्स है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, गैस है, उसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स को यूज करते हैं और वो सेंसर अपने काम पूरा करते हुए एक सिग्नल प्रोग्रामिंग बोर्ड के अंदर कोई भी एक इनपुट पिन के थ्रू भेजती है माइक्रोकंट्रोलर को एंड वो सिग्नल्स वेरिएबल वोल्टेज और करंट होता है फ्रेंड्स एंड वही सिग्नल्स को हम एनालॉग इनपुट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अब एनालॉग आउटपुट क्या है? एनालॉग आउटपुट भी एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो या फिर एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आप लोग एनालॉग आउटपुट को यूज कर सकते हो। एनालॉग इनपुट की एग्जांपल्स के लिए आप लोग टेम्परेचर सेंसर, गैस सेंसर, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लो सेंसर, पोटेंशियोमीटर एंड एटसेट्रा को आप लोग यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोग आर्डिनो की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो जान चुके हो। आर्डिनो की यहाँ A0 से लेकर A5 तक है एनालॉग पिन्स। इन सभी पिन्स को आप लोग यूज करके कोई भी सेंसर्स और डिवाइसेस की एनालॉग वोल्टेज को रीड और राइट कर सकते हो फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एनालॉग रीड क्या होता है। पहले हम इसकी सिंटैक्स को जान लेते हैं। तो एनालॉग रीड की सिंटैक्स है एनालॉग रीड एंड बोथ पैरेंथेसिस के अंदर पिन। फ्रेंड्स यहाँ पर एनालॉग रीड की R कैपिटल में देना होगा। यहाँ पर जो पिन है वो होगा आर्डिनो की एनालॉग A0 से A5 तक कोई भी एक एनालॉग पिन। जैसे कि मान लो आप पिन नंबर A3 में कोई सेंसर ऐड किए हो तो तब आपको वो A3 पिन को फंक्शंस के अंदर लिखना होगा। फ्रेंड्स एनालॉग रीड वो होता है कि आर्डिनो की एक स्पेसिफिक एनालॉग पिन से कोई इनपुट वोल्टेज को रीड करना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई सेंसर्स और पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है। आप मान लो आर्डिनो पिन से तो इनपुट वोल्टेज को रीड कर लिया है, अब वो उसको कैसे प्रोग्राम को बताएंगे? फ्रेंड्स इसके लिए आर्डिनो की माइक्रोकंट्रोलर के अंदर एक 10-बिट ADC रहता है। ADC का फुल फॉर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फ्रेंड्स, और आर्डिनो एक मल्टी चैनल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इसका मतलब है कोई भी इनपुट वोल्टेज को आर्डिनो ADC के मदद से मैप करेंगे बिटवीन 0 वोल्ट एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि ना 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट भी हो सकता है एंड उसको इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है जो कि 0 से 1023 वैल्यूज तक है। अब यहाँ मैंने बोला कि वोल्टेज मैप करेंगे, तो यहाँ मैप का मतलब क्या है? फ्रेंड्स मैप फंक्शन के लिए एक और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स मैप एक फंक्शन है जो आर्डिनो लैंग्वेज में या फिर प्रोग्राम में यूज होता है इनपुट एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज रेंज को डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज की रेंजेस में शो करने के लिए। अब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज मतलब आप सोचेंगे कि वोल्टेज तो सेम या फिर फिक्स्ड होता है ना, तो फिर ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए फ्रेंड्स आप जब भी कोई सेंसर्स या डिवाइसेस को इनपुट करोगे आर्डिनो के कोई पिन से तो वो सेंसर्स या डिवाइसेस उसकी प्रोग्राम के हिसाब से एक सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल होता है वोल्टेज जो कि 0 से 5 वोल्ट तक या फिर 0 से 3.3 वोल्ट तक होता है। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग बोर्ड में 5 वोल्ट एक स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। फ्रेंड्स अब देखिए मान लो आपने एक पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके और वो पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन कनेक्ट किए हो एंड पोटेंशियोमीटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ आर्डिनो की ग्राउंड पिन कनेक्ट किए हो एंड पोटेंशियोमीटर की मिडिल वाला टर्मिनल होता है आउटपुट टर्मिनल, तो आप आउटपुट टर्मिनल को आर्डिनो बोर्ड की मान लो एनालॉग इनपुट पिन A0 से कनेक्ट किए हो। अब आपको इस पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट को घुमा के आपको इनपुट वेरिएबल वोल्टेज को रीड करना है। तो जब भी आप पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट को घुमाएंगे तब पोटेंशियोमीटर से एक अलग अलग वोल्टेज आर्डिनो एनालॉग पिन से इनपुट होगा और वो रीड करेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट मीन्स आपका वोल्टेज ADC की द्वारा इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट होके वो 1023 तक होगा और अगर वोल्टेज 0 वोल्ट है तो तब इंटीजर वैल्यू 0 होगा। अब मैप फंक्शन यहाँ पर क्या करता है कि जब आप मान लो पोटेंशियोमीटर को घुमाया और 2 वोल्ट पे आके आप स्टॉप कर दिया तो उस वक्त आपकी आर्डिनो उस वोल्टेज को रीड करके इंटीजर वैल्यूज में शो करेंगे। ऐसे करके आप जब भी पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट को घुमाते रहोगे तब भी आपको इनपुट वोल्टेज को रीड करके एक इंटीजर वैल्यूज को शो करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि मैंने आगे बोला है कि 10 बिट्स ADC रहता है माइक्रोकंट्रोलर के अंदर और ये सारे आर्डिनो बोर्ड में सेम नहीं रहता। कुछ आर्डिनो बोर्ड में तो 14 या फिर 12 बिट्स भी रहता है
जैसे कि Arduino Uno R3, Mini, Nano, Nano Every, Mega 2560 एंड एटसेट्रा बोर्ड में 10 बिट्स ADC रहता है और Arduino Uno R4 Minima Wi-Fi बोर्ड में 14 बिट्स एंड Nano 33 में 12 बिट्स रहता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग बोर्ड यूज़ करोगे तो उसकी स्पेसिफिकेशंस को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे भी हर एक प्रोग्रामिंग बोर्ड की स्पेसिफिकेशंस के डिटेल्स मैं सिखा रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हो। मैं फिलहाल Arduino Uno R3 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा बोर्ड में 10 बिट्स ADC है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एनालॉग राइट के बारे में। फ्रेंड्स, एनालॉग राइट वो होता है कि हम जो एनालॉग इनपुट पिन से वैल्यूज को रीड करके एक इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट किया था, उसी वैल्यूज को हम यूज़ करके Arduino की डिजिटल पिन से फिजिकली कोई चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप LED की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो या फिर मोटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले हम एनालॉग राइट की सिंटैक्स जान लेते हैं। इसकी सिंटैक्स है एनालॉग राइट एंड बोथ पैरेंथेसिस के अंदर पिन कॉमा वैल्यू, राइट के W या फिर कैपिटल में देना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद पिन, एनालॉग रीड के वक्त जब आप एनालॉग पिन नंबर दे रहे थे ठीक उसी तरह यह भी एनालॉग राइट के लिए डिजिटल पिन नंबर देना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जब आप एनालॉग राइट को कॉल करोगे या फिर अप्लाई करोगे तब आपको Arduino की PWM पिन्स को यूज़ करना होगा। यह अब PWM क्या है? फ्रेंड्स, PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इसको यूज़ करके आप लोग एनालॉग रीड से किए हुए इंटीजर वैल्यूज को एनालॉग राइट फंक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये PWM काम कैसे करता है? फ्रेंड्स, जब भी आप लोग एनालॉग राइट के लिए PWM पिन्स को यूज़ करोगे तब भी Arduino पिन से एक स्टेडी रेक्टेंगुलर वेव जनरेट होगा एक स्पेसिफिक ड्यूटी साइकिल की, और ये ड्यूटी साइकिल पल्स की तरह काम करता है और वो ड्यूटी साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आप नेक्स्ट एनालॉग राइट को कॉल नहीं करोगे। फ्रेंड्स, PWM के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, काइंडली आप लोग वो वीडियो देख लेना। अब Arduino में PWM पिन्स कौन सा है? Arduino Uno, Nano, Mini बोर्ड में डिजिटल पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10, 11 पिन्स होता है PWM पिन्स। Arduino Mega बोर्ड में 2 से 13 तक एंड 44 से 46 तक पिन्स होता है PWM पिन्स। ऐसे और भी बोर्ड्स है जिसकी डिफरेंट पिन्स PWM पिन्स होता है। फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम एनालॉग रीड के वक्त हम लोग जो वैल्यूज रीड कर रहे थे वो वैल्यूज था 0 से लेकर 1023 तक। ठीक उसी तरह आप लोग यह भी एनालॉग राइट को यूज़ करके 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ को आप लोग आउटपुट के हिसाब से पिन में से सेंड कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी 0 से 255 तक वैल्यूज मतलब है 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। फ्रेंड्स, मतलब डिजिटल PWM पिन से आप लोग 0 से 5 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हो जो कि 0 से 255 रेंज तक वैल्यूज है। जैसे कि मान लो आप लोग Arduino की डिजिटल पिन नंबर 11 में जो कि एक PWM पिन है उसके अंदर आप एनालॉग राइट कॉल करके 0 वैल्यूज को सेंड किए हो तो उस वक्त आपका आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होगा और लो होगा, और अगर एनालॉग राइट कॉल करके 255 वैल्यू सेंड किए हो तो उसके आउटपुट वोल्टेज हाई होगा और 5 वोल्ट होगा। ठीक ऐसे करके आप लोग 0 से 255 वैल्यूज के अंदर आप कोई भी वैल्यूज को सेंड करोगे तो उसकी हिसाब से PWM पिन में से एक वोल्टेज आउटपुट होगा। नेक्स्ट है एनालॉग राइट की वैल्यू। तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि आप लोग 0 से 255 वैल्यूज के अंदर कोई भी वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर 0 मीन्स लो और ऑफ एंड 255 मीन्स हाई और ऑन है। अगर आप वैल्यू 0 इनपुट करोगे तो आउटपुट 0 ही होगा और ऑफ मोड पे होगा वो पिन, और अगर 255 वैल्यूज इनपुट करोगे तो आउटपुट 5 वोल्ट और हाई और ऑन मोड पे होगा वो पिन। एंड 0 से 255 तक वैल्यूज के अंदर आप कोई भी वैल्यूज इनपुट करोगे तो उसके हिसाब से आपकी आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम Arduino सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास Arduino IDE इंस्टॉल नहीं है तो मैंने डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे और उसके साथ एक LED को आउटपुट के हिसाब से यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स तो पहले हमें पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को रीड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप int ले लेता हूँ, नेक्स्ट वेरिएबल के नाम एनालॉग पिन ले लेता हूँ, नेक्स्ट मैं वैल्यू की जगह A3 मतलब Arduino बोर्ड की एनालॉग इनपुट पिन A3 में पोटेंशियोमीटर की आउटपुट पिन कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं A3 पिन को यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट int val इजिकल टू 0 ले लिया है बिकॉज रीड किए हुए वैल्यूज को मैं इस वैल के अंदर स्टोर करूंगा। नेक्स्ट वॉइड सेटअप के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन को कॉल किया ताकि Arduino USB के थ्रू डेटा और कमेंट्स को सेंड या रिसीव कर सके। नेक्स्ट वॉइड लूप के अंदर मैंने वैल इजिकल टू एनालॉग रीड। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को रीड करना है इसीलिए अब एनालॉग रीड फंक्शन को कॉल किया यहाँ।
नेक्स्ट एनालॉग रीड के बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर एनालॉग पिन को पुट किया मैंने, ताकि एनालॉग पिन A3 से जो वैल्यूज इनपुट होगा वो वैल्यूज को एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से रीड होगा। नेक्स्ट सीरियल डॉट प्रिंट ln एंड उसके अंदर वैल को पुट किया मैंने, ताकि रीड किए हुए डेटास को या फिर वैल्यूज को हम सीरियल मॉनिटर पे देख सके फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं यहाँ एक डिले दे देता हूँ 1000 मिलीसेकंड्स या फिर 1 सेकंड के लिए। मैंने पहले ही आर्डिनो के साथ पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर रखा है, तो अब इस प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने अपलोड कर दिया है, अब सीरियल मॉनिटर पे रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीरियल मॉनिटर ओपन करते ही कुछ वैल्यूज शो कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर से आते हुए वोल्टेज को रीड करके आर्डिनो वैल्यूज में शो कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट को घुमा रहा हूँ तब भी वैल्यूज में चेंजेस आ रहा है। अब देखिए, मैंने बोला था कि ADC वोल्टेज को कन्वर्ट करके इंटीजर वैल्यूज 0 से 1023 के अंदर रखता है, तो वही काम अब हम यहाँ सीरियल मॉनिटर पे देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं शाफ्ट को क्लॉकवाइज पूरा घुमा देता हूँ तब सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है एंड जीरो की तरफ जा रहा है। एंड अगर शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे पूरा घुमा देता हूँ तो सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है एंड 1023 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग एनालॉग रीड फंक्शन को यूज करके एनालॉग वैल्यूज को रीड कर सकते हो फ्रेंड्स। अब हम एनालॉग राइट की प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आर्डिनो के साथ एक LED कनेक्ट कर लिया है, तो चलिए अब इसको प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप इंट ले लिया मैंने एंड उसके बाद हम LED यूज कर रहे हैं, तो LED पिन को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल नेम LED पिन ले लिया मैंने। नेक्स्ट इज इक्वल टू एंड देन हम PWM डिजिटल पिन 9 यूज कर रहे हैं, तो यह पिन नंबर 9 लिख देते हैं। नेक्स्ट हम पोटेंशियोमीटर के साथ LED को प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि पोटेंशियोमीटर की इनपुट वैल्यू से हम LED की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर की आउटपुट पिन को एनालॉग इनपुट पिन से कनेक्ट करने के बाद एनालॉग पिन को डिक्लेयर करना होगा। इसीलिए पहले मैं डेटा टाइप इंट एंड उसके बाद वेरिएबल एनालॉग पिन देन इज इक्वल टू एंड देन एनालॉग इनपुट A3 लिख दिया। नेक्स्ट इंट वैल इज इक्वल टू 0 ले लिया रीड हुए वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट वॉइड सेटअप में मैंने पिन मोड फंक्शन को ले लिया। फ्रेंड्स, पिन मोड एक तरह की फंक्शन है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी वैल्यूज को इनपुट और आउटपुट कर सकते हो। फ्रेंड्स, पिन मोड फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट पिन मोड के अंदर LED पिन ले लिया जो कि ना डिजिटल पिन 9 था। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल में आउटपुट लिख दिया, कॉज हमें आउटपुट वैल्यू चाहिए, मतलब हम LED की ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे तो वो एक आउटपुट वोल्टेज और वैल्यूज ही होंगे। नेक्स्ट वैल इज इक्वल टू एनालॉग रीड एंड उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर एनालॉग पिन ले लिया, कॉज पोटेंशियोमीटर से आते हुए वैल्यूज को रीड करना है हमें। नेक्स्ट है एनालॉग राइट। फ्रेंड्स, अब हम एनालॉग राइट फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले एनालॉग रीड ले लिया एंड उसके अंदर LED पिन, कॉज इसको हमें आउटपुट में रखना है एंड ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। उसके बाद वैल, मतलब हम जो यह वैल के अंदर वैल्यूज को रीड करके स्टोर किया था उसको यहाँ पुट करेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे, ताकि स्टोर किए हुए वैल्यूज जो कि एनालॉग वैल्यूज 0 से 1023 तक है उसको एनालॉग राइट वैल्यूज 0 से 255 के बीच में आउटपुट दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं। मैंने अपलोड कर दिया और आप लोग यहाँ देखिए, जब भी मैं पोटेंशियोमीटर घुमाता हूँ तब भी LED की ब्राइटनेस में चेंजेस आ रहा है। देखिए, मैं शाफ्ट को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो LED की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रहा है, और अगर इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो LED की ब्राइटनेस इंक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स, यही है PWM का मेन फंडा, और आप लोग इस तरह से एनालॉग राइट को यूज़ कर सकते हो आपकी प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। आर्डिनो के बारे में और भी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।